अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कभी कथा की कविता, तो कभी इमली की अनुजा। कलाकार एक है लेकिन उनके किरदार अनेक हैं। कई सारे सीरियल्स, कई सारी फिल्में और कई वेब सीरीज करने वाली ज्योति गाबा ने 600 से भी ज्यादा विज्ञापन किए हैं। इन्हें एड्स क्वीन कहना कोई गलत बात नहीं होगी। आज सास बहू और बेटियां विज्ञापन की इस क्वीन के घर पहुंच गया है करने इनके साथ डे आउट। सीधी सादी जिंदगी जीने वाली ज्योति गाबा सुबह सुबह प्रभु का नाम लेती हैं। अपने फेवरेट कॉर्नर पर बैठकर गुनगुनाती हैं। झूले पर बैठकर बच्चों की तरह खिलखिलाती हैं और डांस तो इनकी जान है। जब मन किया झूम झूम कर नाच लेती हैं। तो आइए मिलते हैं ज्योति गाबा से, जानते हैं उनके बारे में और करते हैं इनके घर की सैर। एक नया दिन और एक नए दिन की शुरुआत। जी हाँ, आज कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं। पहले सबसे तो डोर पर नॉक कर लेती हूँ। बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने 600 से भी ज्यादा एड्स में काम किया है। दरवाजा खुल चुका है। हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो ज्योति, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? वी आर वेरी गुड टू सी यू। सेम हियर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सो सास बहू और बेटिया की टीम ज्योति जी के घर पे पहुंच चुकी है। सो ज्योति जी, आज आपके घर हम देखेंगे, आपका रूटीन देखेंगे, ये देखेंगे कि आप किस तरह से ज्योति से कथान कही की कविता बनती हैं। ओके, तो प्लीज टेक अस टू द टॉप। यस यस, प्लीज कम इनसाइड। हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय हाउस, दैट इज ज्योति गाबाज हाउस। इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, सो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे शूट के लिए टाइम पर पहुँचना है। जस्ट मैं उठी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि मेरा डेली रूटीन क्या है। ये मेरा लिविंग रूम है, आपने जस्ट मेन डोर से एंटर किया है, ये मेरा लिविंग रूम है और ये मेरा शोकेस है जहाँ मैंने अपनी फोटोग्राफ्स शोकेस की हुई है। ये शो इमली में जो लुक मुझे मिला था season 1 में, ये उसकी फ़ोटो है। ये भी season 1 के एक्टर्स के साथ खींची हुई फ़ोटोग्राफ्स है। ये जो फोटोग्राफ्स में खासियत ये है कि मेरे फैंस ने मुझे ये बना कर के सेट पर भेजा है, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत खास है। ये कुछ मेरे बच्चों के साथ जब वो बहुत छोटे थे बचपन में ली गई हुई फोटोग्राफ्स से अच्छी यादें हैं। इस कॉर्नर में आप देखेंगे तो ये जो अवार्ड्स मुझे मिले हैं मेरे किरदार के लिए, जो मैंने अलग अलग किरदार निभाए हैं अलग अलग शोज़ में, तो मेरे अवार्ड्स यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे है ये जी रिश्ते अवार्ड्स जो मुझे मिला था फॉर फेवरेट सास जब मैं राजश्री का शो कर रही थी। वो मेरा पहला नॉमिनेशन था और नॉमिनेट होने के बाद मुझे ये अवार्ड भी मिला। तब जी रिश्ते के 25 साल पूरे हो रहे थे, तो उनका 25वां साल था अवार्ड फंक्शन का, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत खास है। ये फेंगशुई का गुड लक प्लांट है, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, तो मैंने इसे भी यहाँ पर अपने शोकेस में शोकेस कर दिया है। फिर ये टर्टल है,
अगेन ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था एंड वो कहते हैं कि फेंगशुई के हिसाब से ये बहुत लकी होता है, तो डायरेक्शन मुझसे कहा गया है कि इस तरीके से रखना है। तो मैंने इस टर्टल को ऐसे प्लेस किया है, वो इस साइड में फेसिंग है। टीवी की बात करें तो मैं ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखती, लेकिन अपना शो मैं ज़रूर देखती हूँ। अपने एड्स जब मुझे दिखते हैं, मैं उन्हें YouTube पर डाउनलोड करके रखती हूँ, और मैं मेरे शो के सीन्स बिल्कुल नहीं मिस करती। मेरे दोनों शोज़ मैं जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं रन थ्रू करती हूँ फुल वीक का, और मैं उसे देखती हूँ। और जहाँ आप बात करें मेरे पहले असाइनमेंट की, जो बहुत बहुत साल पहले जब मैंने शुरू किया था, मेरा पहला ऐड था जूनियर हॉलिक्स, और तब एक्साइटमेंट लेवल बहुत थी जब मैंने अपने आप को टीवी पर देखा। मेरा प्रयास ये था शुरुआत में कि मैं अपने बच्चों को टीवी पर देखना चाहती थी, मेरे जुड़वा लड़के हैं और मैं अपने बच्चों को टीवी पर देखना चाहती थी, लेकिन मेरे बच्चे इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। मैंने बहुत पोस्ट किया, करीबन 3 साल तक बच्चों से ज़बरदस्ती एड्स करवाए, काम करवाया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सही नहीं है। हर इंसान को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है, तो अगर बच्चों को ये नहीं पसंद है, मुझे उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। और मैंने अपनी हॉबी अपने ऊपर मैंने सेटिस्फाई और पूरी की, और आज आप मुझे देख रहे हैं। ये मेरा लिविंग रूम का दूसरा कॉर्नर है, आइए। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जहाँ मैंने अपना टेंपल रखा हुआ है। मैं पूजा में काफ़ी विश्वास रखती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी हर शुरुआत नहाने के बाद मैं यहाँ पर करीबन 5 मिनट बैठूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत शांति मिलती है। वैसे तो हम रोज़ अपना प्रयास करते हैं, लेकिन हम इस प्रयास के दौर में हम भूल जाते हैं कि हमें जो कुछ भी प्राप्त किया है या जो कुछ भी मिला है, उसके लिए हमें थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे बहुत मंत्र नहीं आते, तो मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप कर लेती हूँ 11 बार, लेकिन मैं आँख बंद करके हाथ जोड़ के भगवान को रोज़ शुक्रिया करती हूँ, भले वो मेरा दिन बहुत अच्छा भी ना गया हो और बहुत बढ़िया भी गया हो, तभी मैं थैंक यू कहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमें कोई चीज़ मिलती है और हम रेसिप्रोकेट करते हैं, तो जिसने हमें ये चीज़ दिया है उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ईश्वर के साथ डेली रेसिप्रोकेट करती हूँ, मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ हर चीज़ के लिए जो मेरे जीवन में मुझे मिली है। ये विष्णु जी की मूर्ति है, ये शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति है, ये शिव जी की मूर्ति है। शिव जी के मूर्ति के पीछे ही शेरावाली माता की मूर्ति है। बॉम्बे में क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है हमारे पास में, तो मैंने छोटी छोटी मूर्तियों को स्थापित किया है मेरे मंदिर में। ये गणपति जी हैं, ये लक्ष्मी माता है, ये किसी ने मुझे यंत्र मुझे बना करके दिया था, और मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे कोई भी चीज़ प्यार से मिलती है, मैं उसे बहुत प्यार से रखती हूँ, तो मैंने इसे प्यार से अपने मंदिर में रख दिया है। और ये दुर्गा जी की मूर्ति है, ये मेरे रूम का फेवरेट कॉर्नर है, ये खिड़की। यहाँ पर बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय पीना, सुबह की चाय हो या शाम की चाय हो, बहुत बारी यहाँ पर बैठ करके मैं अपना लंच भी करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है। मेट्रो बना है, ट्रेन जाती है, और रोड व्यू थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस कॉर्नर में बैठ करके। अब कुछ भी अगर मुझे म्यूज़िक भी सुनना हो, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इस कॉर्नर में बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कॉर्नर।
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, घर में सब सो रहे हैं, इसलिए मैं अपने बाकी के कमरे आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं आपको अपना ड्रेसिंग एरिया दिखाती हूँ जहाँ पर मैं सुबह में तैयार होती हूँ घर से निकलने से पहले। तो आइए, ये मेरा ड्रेसिंग एरिया पोर्शन है, यहाँ पर मैं तैयार होती हूँ अपने काम पर जाने से पहले। तो चलिए, मुझे अपनी स्किन को पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगाती हूँ और जब वो अब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद में मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। चलिए मैं तैयार हो गई हूँ, लेकिन अब मैं आपको अपने किचन में ले चलती हूँ जहाँ मैं अपनी फूड बास्केट को तैयार करने वाली हूँ। नॉर्मली मैं ब्रेकफास्ट लंच सब घर से प्रिपेयर करके लेके जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मेरा व्रत है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि व्रत में मैं अपने फूड बास्केट में क्या क्या भरने वाली हूँ। चलिए, ये मेरा किचन एरिया है। किचन में ये अर्दन पॉट मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैं मटके का पानी पीना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे ठंडा पानी नहीं पीना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे सर्दी हो जाती है, तो मटका मैंने रखा हुआ है। ये मेरी फ्रूट बास्केट है और आज यही फ्रूट बास्केट से मैं फ्रूट्स ले जाने वाली हूँ अपने व्रत के लिए अपने सेट पर। ये मेरा फेवरेट फ्रूट है मस्क मेलन, इसे मैं काटूंगी और इसे मैं ले जाऊंगी अपने व्रत के लिए। मेरा डेली रूटीन जो होता है, ब्रेकफास्ट में मैं वेरिएट करती हूँ, बॉइल्ड एग्स या तो फिर ओट्स का चिल्ला, या मुझे स्मूदीज़ भी बहुत पसंद है अलग अलग टाइप्स की, तो मैं स्मूदीज़ बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, एंड ओट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लंच की अगर आप बात करें तो वो टाइम पर डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना समय है, मेरा कॉल टाइम क्या है। तो सबसे इजी खिचड़ी होता है, तो मैं फटाफट खिचड़ी बॉईल करके तड़का लगा करके मैं ले जाती हूँ, या तो अगर मेरे पास समय होता है तो मैं रोटी सब्जी ले जाती हूँ। मैं जो लंच में ले जाती हूँ वही मैं डिनर में एक्स्ट्रा बना करके यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं दो अलग अलग वेराइटीज़ बना सकूँ सुबह में शूट पर जाने से पहले। लेकिन आज मेरा व्रत है तो आज ये मेरी स्पेशल डाइट है, फ्रूट डाइट है। चलिए, मेरे दिन भर का शूट का सामान पूरा पैक हो गया है, अब चलते हैं सेट पर जहां मैं ज्योति गाबा से आपकी कथा अनकही की कविता गरेवाल बनूंगी। लेट्स गो। घर से निकलते ही जैसे ही उन्हें अपनी सोसाइटी का झूला खाली मिला, तो देखिए कैसे उनका बचपना जाग उठा। सो हर एक में एक बच्चा छुपा होता है ऐसा कहा जाता है,
और वो कभी बड़ा नहीं होता और उसे होना भी नहीं चाहिए। आप में किस तरह का बच्चा छुपा है? मुझे ना झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है, तो जब मैं बिल्डिंग में यहाँ नीचे आती हूँ और ये झूला मुझे एम्प्टी मिलता है ना, तो मैं जल्दी से यहाँ पर बैठ करके झूला झूलने लगती हूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स क्या होता है कि बच्चे इसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं क्योंकि ये लंबा सा झूला है, 3-4 बच्चे एक साथ में बैठे रहते हैं। लेकिन जब भी मुझे ये झूला खाली मिलता है ना, दोपहर के समय भी मैं आ जाती हूँ कई बारी जब मुझे झूला झूलने का मन करता है। तो जैसे आपने कहा ना, हर एक में जब बच्चा छिपा होता है, तो ऐसे छोटी छोटी बचकानी हरकतें करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। देखो, खेल कूद में तो मैं ज़्यादा ना स्मार्ट थी और ना ही इंटरेस्टेड थी, लेकिन मस्ती करने में मैं नंबर वन थी। अगर मैं आपको बताऊँ ना कि किस किस्म की मस्तियाँ मैं करती थी, तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे। मतलब मैं जब छोटी थी, जब मैं स्कूल में थी, तो मैं मेरे भाई के साथ में बिल्डिंग में जितने भी गाड़ी होती थी उनके टायर्स पंचर कर देती थी बिना किसी कारण के, क्योंकि मुझे मज़ा आता था ऐसा करने के लिए। अगर किसी का कुछ सामान पड़ा है तो उसे जानबूझ के उसे छुपा दो ताकि वो परेशान हो और उसे वो ढूंढना शुरू कर दे, और मैं उसे देखती थी जब वो सामान को ढूंढता था। तो ये सब करने में मुझे बहुत मज़ा आता था, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत गलत है, कि ये आप किसी को परेशान कर रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। तो अब मैं नहीं करती, अब मैं सिर्फ आकर के झूला झूलती हूँ। बिना देर किए निकल पड़ते हैं कथा के सेट की ओर, क्योंकि आज ज्योति गाबा इमली में नहीं बल्कि कथा के सेट पर कविता के रूप में नजर आएंगी। ज्योति अपनी कार खुद चलाती हैं और हमेशा सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखती हैं। सीट बेल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि ड्राइवर के लिए बल्कि जो यहाँ पर साइड में बैठेगा और पीछे भी बैठेगा। तो सीट बेल्ट लगाना मत भूलिएगा जब भी आप अपनी गाड़ी से बाहर जाते हैं। देखो, ड्राइविंग है ना, मैंने बहुत साल पहले सीखा है और मैं कभी भी 40 के स्पीड के ऊपर ड्राइव नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर से 10 मिनट पहले निकल जाऊँ, या मुझे जिधर भी जाना हो मैं थोड़ा पहले निकल जाऊँ। लेकिन ओवर स्पीडिंग करना, रैश ड्राइविंग करना, ये सब मैं बिल्कुल नहीं करती। मुझे आराम से ड्राइव करना और रेडियो सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैं गाड़ी में बैठती हूँ, मैं रेडियो ऑन कर देती हूँ और जो भी गाना चलता है मैं उसे सुनती हूँ। मुझे उसमें मज़ा नहीं आता है तो मैं चैनल चेंज कर देती हूँ। मुझे हिंदी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, नथिंग इन पर्टिकुलर, यू कैन से लाइक सूदिंग म्यूज़िक होना चाहिए। बहुत बारी मुझे ये बॉलीवुड के जो डांस नंबर्स होते हैं वो भी सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता है। फ्राइडेज सैटरडे नाइट्स वो आरजे होते हैं जहाँ मैशअप म्यूज़िक होता है, जब मेरा पैकअप होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही गाने लगाऊँ। मुझे म्यूज़िक से मैं बहुत रुचि है, मुझे बहुत आनंद और बहुत सुकून मिलता है म्यूज़िक सुनकर। टीवी इतना देखना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आप मुझसे कह लो कि म्यूज़िक सुन लो तो मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ। और मैं शूट में भी अपना ईयरफोन अपने साथ लेकर के जाती हूँ, क्योंकि मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ से मेरी एक्सरसाइज शुरू हो गई है, यहाँ से सेट पर मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। भाग दौड़ में लाइंस करूँगी, सेट पर भागूँगी, फिर वापस से रूम में जाऊँगी, फिर सेट पर जब बुलाएंगे तब जाऊँगी। तो एक्सरसाइज है स्टार्टेड, चलिए। गाते गुनगुनाते हम पहुँच गए सेट पर, जहाँ सभी से मिलते मिलाते ज्योति गाबा पहुँच गई अपने मेकअप रूम में करने शूटिंग की तैयारी। ये कथा का सेट है और वो हमारे डायरेक्टर सर हैं, इंद्रो सर। अरे वाह 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 वाह, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं हमारे ईपी विजय जी से, जो मॉर्निंग 7:45 और 8 के बीच में सीन भेज देते हैं ताकि हम प्रिपेयर हो जाए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, कविता गरेवाल के मेकअप रूम में चलते हैं, आइए। ये हम सबके मेकअप रूम्स लाइन से है यहाँ पर। ये हमारी है दीदी है जो बहुत दिनों के बाद दिख रही है। ये है मेरा मेकअप रूम।
मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा कॉस्ट्यूम रेडी होगा, देखिए मेरा कॉस्ट्यूम रेडी है। तो हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज है, एक्टर के आने से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहती है यहाँ पर सेट पर। चलिए अब तैयारी शुरू करते हैं ज्योति गाबा से कविता गरेवाल बनने का जो सफ़र है वो हम अभी तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेकअप ब्रशेस हमने सब रखे हुए हैं, ये मेरे मेकअप बेस है, लिक्विड बेस है, ये तीन बेस है, तो मेकअप दादा अपने हिसाब से यू नो मिक्स करके मुझे शेड देंगे मेरे फेस पर। ये ब्रशेस मैं घर से कैरी करती हूँ। दिस इज़ नितिन दादा, ही इज़ सुपर्ब, यू नो आई एम लकी कि आज वो वापस से मेरा मेकअप करने आए हैं। उन्हें टाइम नहीं मिलता है, सारे एक्टर्स उन्हें अपने रूम में यू नो पकड़ के ले जाते हैं जब वो फ्री होते हैं। तो आज मेरी लक अच्छी है कि नितिन दादा फ्री है और आज मेरा मेकअप वो कर रहे हैं। घर से मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, एलोवेरा जेल यूज़ किया, सनस्क्रीन लगाया। यहाँ आने के बाद में मैंने ये वॉलनट ऑयल, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज मैंने कर लिया अपने स्किन को। अभी मेकअप दादा देखिए वेरी स्वीटली मेरे ब्रशेस क्लीन कर रहे हैं और वो जो बेस है आई टोल्ड यू कि वो मिक्स करके देखेंगे कि क्या शेड यू नो मेरे स्किन में अच्छा लगता है, वो मिक्स करके वो शेड मेरे स्किन पर यूज़ करेंगे। और आप देखना कि बहुत हल्का सा बेस होगा, इट्स जस्ट टू कवर यू नो ऑल दीज स्पॉट्स दैट आई हैव ऑन द फेस, दैट्स इट। बहुत पैची भी नहीं होगा और एंड रिजल्ट बहुत ही सुंदर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा मेकअप और हेयर दोनों डन है, मुझे करीबन 20 मिनट लगते हैं तैयार होने के लिए। मेकअप आप देख रहे हैं कि बहुत ही नेचुरल, बहुत ही लाइट, और उन्होंने जितने भी स्कार्स थे जो आपको दिख रहे थे विदाउट मेकअप वो उन्होंने कवर कर दिया है, ज़रा भी पैची नहीं है। और जो ब्लश मुझे दिया गया है, मेरी साड़ी यहाँ पर ऑलरेडी रेडी थी तो अकॉर्डिंग टू द साड़ी कलर मेरा ब्लश उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा मेरे कॉस्ट्यूम को जो मैं पहनूंगी अभी। और एक छोटी सी बिंदी मुझे दी है। आई मेकअप भी आप देख लीजिए कि बहुत हल्का है, ना के बराबर है लेकिन है भी। लाइनर भी आप देखिए और मस्कारा भी बहुत जेंटली, बहुत कम यूज़ किया गया है। एंड लिपस्टिक मैं मोस्टली पेस्टल शेड्स प्रेफर करती हूँ तो मैं अपने ही पेस्टल शेड्स कैरी करती हूँ मेकअप के लिए। हेयर के लिए अगर आप बात करें तो मुझे विग लगती है, ये लेंथ ऑफ द हेयर मुझे दिया गया है क्योंकि रोज़ रोज़ बालों को यू नो हीट लगता है, जैसे कि उसे स्ट्रेटन करना या ब्लो ड्राई करना ये बालों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम विग यूज़ करते हैं। बस सिर्फ इतना पोर्शन है मेरे बालों का जो यूज़ होता है, बाकी यहाँ से जो मिड पोर्शन है यहाँ से विग लगती है मुझे बालों में। बालों को स्ट्रेटन करने से पहले भी जो हेयर ड्रेसर है वो हीट प्रोटेक्टर लगा देती है ताकि डैमेज जो हो रहा है वो थोड़ा कम हो। एंड नॉर्मली अगर दो तीन दिन कंटिन्यू शूट रहता है मैं अपना हेयर वॉश नहीं करती हूँ ताकि ये स्ट्रेट ही रहे और इसे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये सब करने से बाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सीरियल में कविता का लुक बहुत ही सिंपल सोबर है, इसीलिए मेकअप में उनको ज्यादा समय नहीं लगता। झटपट कविता के अंदाज में ढलकर ज्योति ने सबसे पहले अपना फेवरेट काम किया और वो है डांस करना। ये आज का कविता गरेवाल का कॉस्ट्यूम है। सो कविता गरेवाल इज रेडी फॉर द डे और अब मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे एडी बुलाएंगे और मैं सेट पर जाऊँगी। मैंने अपना सीन रीड कर लिया है, मेरा पहला सीन कैफ़े में है कथा के साथ, तो बस वेट करते हैं। जब बाहर नॉक होगा दरवाज़ा तो मैं आपको ले चलूँगी अपने सेट पर।
अगर आप गेटअप के बारे में देखें तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर बहुत ही नेचुरल लुक मुझे दिया गया है कविता के कैरेक्टर के लिए। ज्वेलरी भी आप देखिए कि बेयर मिनिमम ज्वेलरी है, लेकिन जो एलिगेंट लगती है कॉस्ट्यूम के साथ में, हेयर के साथ में। ईयरिंग्स भी जो दिए गए हैं वो छोटे से मुझे टॉप्स दिए गए हैं, ये छोटे से टॉप्स मुझे दिए गए हैं, और एक सिंगल सा ब्रेसलेट मुझे दिया गया है। मुझे यहाँ पर रिंग्स नहीं मिलते हैं तो मैं अपने दो रिंग्स मैं यूज़ करती हूँ। दो 2009 में सीरियल मात पिता के चरणों में स्वर्ग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली ज्योति ने लव मैरिज या अरेंज मैरिज, एक हसीना थी, कसम तेरे प्यार की और नागिन जैसे कई फेमस सीरियल्स में काम किया है, कई फिल्में और कई वेब सीरीज भी की हैं, और अब बहुत जल्द वो अजय देवगन की फिल्म भोला में भी नजर आएंगी। वैसे बता दें कि ज्योति चाहती थी अपने ट्विंस बच्चों को कलाकार बनाना, लेकिन बच्चों के ऑडिशंस देते देते वो खुद ही कलाकार बन गई। तो आपने कविता गरेवाल के बारे में जान लिया, अब मैं आपको ज्योति गाबा के बारे में बताती हूँ, यानी कि मेरे बारे में। मेरी स्कूलिंग हुई है एक कॉन्वेंट स्कूल में जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स पढ़ती थी, और तब उस समय पर ICSE, CBSE ये सारे ऑप्शंस नहीं थे, सिर्फ SSC बोर्ड था। तो मेरा SSC बोर्ड से मैं पास हुई हूँ। मैं पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थी, मुझे अच्छा परसेंटेज मिला, तो फिर मैंने साइंस लिया था 10th स्टैंडर्ड के बाद में। और मेरे कॉलेज की अगर आप बात करते हैं तो मैंने मेरे दो कॉलेजेस में मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैंने अपनी पूरी की, पहला था भवंस कॉलेज और दूसरा था मिठीबाई कॉलेज। एंड उसके बाद में मैंने BSc कंप्लीट करने के बाद में मैंने BEd का कोर्स किया था, जो टीचर्स का डिग्री कोर्स होता है, और मैं स्कूल टीचर थी इस प्रोफेशन में। एक्ट्रेस बनने से पहले मेरा पहला प्रोफेशन था स्कूल टीचर, जहां मैं 8th, 9th, 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, क्योंकि मैं एक मैथ्स ग्रेजुएट हूं। लेकिन इस फील्ड में, मतलब इट्स बाय एक्सीडेंट की मैंने एंट्री किया है। मुझे मेरे दो जुड़वा बेटे हैं जो अब बड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसे बहुत शौक था कि मैं अपने बच्चों को टीवी स्क्रीन पर देखूं। और जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं हमेशा ये जॉनसन के ऐड और डायपर्स की ऐड देखती थी, और मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि मैं अपने बच्चों को स्क्रीन पर देखूं। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं न्यूज़पेपर्स में एड्स ढूंढने लगी, जहाँ मैं कहीं का कनेक्शन निकाल सकूं अपने बच्चों को टीवी में देखने के लिए। मुझे कोई नॉलेज नहीं था, ना ही कोई गॉडफादर था मेरे पास इस लाइन में, एंड ना ही कोई फ्रेंड्स थे या कोई कुछ आइडिया ही नहीं था। इट वाज मतलब ये बहुत ही ऊपर ऊपर की बातें थी, लेकिन वो एक होता है ना कि अगर आपके अंदर कुछ चाह होती है तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसे पूरी करने की कोशिश करें। तो मैंने भी वही किया, मैंने एड्स निकाले और मैं भी काफ़ी बेवकूफ बनी, मुझे पैसे भरने पड़े लेकिन काम नहीं मिला। लेकिन जो चीज़ आपकी किस्मत में है वो चीज़ ढूंढ कर आप तक आ जाती है। जहाँ मैंने पैसे भरे बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स खींचने के लिए, लोगों जब बच्चों की फ़ोटोग्राफ मैगज़ीन में गई, तब लोगों ने मेरा नंबर निकाल करके मुझे अप्रोच किया बच्चों के लिए, और मुझे असाइनमेंट्स मिले, लेकिन मेरे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे। मैंने शुरुआत में उन्हें फोर्स किया, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत गलत बात है, मुझे नहीं करना चाहिए, और ये जो मेरा शौक़ था वो मैंने अपने ऊपर पूरा किया। मेरा पहला ऐड था जूनियर हॉलिक्स, वहाँ पर मैं अपने बच्चों को ले गई थी ऑडिशन के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मैं ऑडिशन करूँ, और मैं सिलेक्ट हो गई, और वो मेरा पहला ऐड था। मेरे पहले ऐड के बाद देर वॉज नो टर्निंग बैक। मतलब ऐसा होता था कि हर महीने मेरे 5-6 एड्स, नए एड्स रिलीज होते थे, और मैंने बहुत सारे एड्स कर लिए थे। करीबन मुझे 10 साल हो गए मॉडलिंग करते हुए, और ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जिसके लिए मैंने मॉडल नहीं किया था। अब मेरे लिए वहाँ पर भी रेस्ट्रिक्ट हो गई चीज़ें, क्योंकि मैं एक ओवर एक्सपोज फेस हो गई और मैं हर ब्रांड में दिखने लग गई। जैसे कि अगर आप शैम्पूज़ की बात करें तो मैंने 6-7 हेयर कमर्शियल्स कर लिए थे। आप डिटर्जेंट्स की बात करें तो उसमें भी मैंने 4-5 कर लिए थे। तो मेरे लिए ओनली ऑप्शन था कि मैं, अगर मैं अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, जो मैं रखना चाहती थी,
तो टीवी वॉज द ओनली मीडियम फॉर मी, और मैंने 14 साल पहले टेलीविजन में एंटर किया और मेरा पहला शो था डायरेक्टर्स कट के साथ मात पिता के चरणों में स्वर्ग, जहां मेरे एक्टिंग स्किल्स काफ़ी पॉलिश हुए, जहां मेरे को एक्टर्स ने मुझे हेल्प किया, जहां प्रोडक्शन ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। और उस शो के बाद में मेरे लिए बहुत सारे शोज़ के दरवाज़े खुल गए, और शोज़ करने के बाद में मैंने फिल्म्स भी की। अभी भी मेरी अपकमिंग फिल्म है भोला, जिसका प्रोमो आप बहुत जल्द देखेंगे, अजय देवगन प्रोडक्शन के साथ में मैंने शूट किया है, प्रोमो में भी मेरे शॉट्स होंगे। और उसके पहले भी मैंने अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में फिल्म्स की है, जैसे कि यशराज है, डेविड धवन प्रोडक्शन है, और भी मतलब 3-4 प्रोडक्शन हाउसेज हैं कथाकार फिल्म जो काफ़ी फ्यू फिल्म्स बनाते हैं, लेकिन मैंने किया है अच्छा और प्रोमिनेंट काम किया है। वेब सीरीज़ की आप बात करें तो कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 और 2 बहुत ही हिट रही है मेरे लिए। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली मैंने 3-4 वेब सीरीज़ और किए हैं। एक मैंने किया है मदीबा एंटरटेनमेंट के साथ में, जिसमें मुझे वेस्टर्न लुक दिया है उन्होंने, काफ़ी प्रोमिनेंट और अच्छा कैरेक्टर मुझे मिला है। दूसरा मैंने पॉकेट एसेस के साथ में किया है, वो भी टोटल यू नो नेगेटिव शेड है, इज़ द एंटागनिस्ट ऑफ द शो, जो जो फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में रिवील होता है। एंड और भी पाइपलाइन में मेरे वेब सीरीज़ की बातें चल रही है, फिल्म्स की बातें चल रही हैं। तो आई लव माय प्रोफेशन, और हर नया असाइनमेंट जो मुझे मिलता है, एक उत्साह होती है, एक एक्साइटमेंट होती है कि मैं उस कैरेक्टर में पूरा अपना 100% दूँ, और मैं एंजॉय करती हूँ अपना काम करने के लिए। एंड आई एम श्योर कि जो चीज़ को आप एंजॉय करते हैं खुद, तो उसे देखने वाले भी एंजॉय करते हैं। भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है सेट पर जाने की, क्योंकि इनका सीन तैयार है। और आज कविता पहुंच गई है एक कैफे में मिलने कथा से। बस सीरियल में जैसा कथा और कविता का रिलेशन दिखाया गया है, रियल लाइफ में वो वैसे ही बिल्कुल सहेलियों जैसी हैं। ज्योति जी और मैं जब आई थिंक हम जब पहली बार हमने शूट करना शुरू किया, आई थिंक फर्स्ट डे से ही हमने अपने वो लेने शुरू करे बूमरैंग्स। हाँ, हम लाइक बूमरैंग्स, बहुत मजा आता है बूमरैंग्स शूट करे। और शुरू में तो हमारे काफ़ी हैवी सीन्स होते थे, बट नाउ आई थिंक इट इज़ ओके एंड इट्स लॉट ऑफ फन। और जैसे ये कैरेक्टर प्ले करते हैं हमारे शो में कविता, शी इज़ वेरी अनलाइक हर, और जब भी इनकी कोई भी वीडियो देखो या हाउ शी इज़ ऑफ सेट, आई मीन ऑफ शूट, शी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, शी इज़ वेरी चर्पी। मुझे मज़ा आता है, तो मैं वो करती हूँ जिसमें मेरा दिल खुश हो जाता है। विद हर ब्यूटिफुल स्माइल, बहुत अच्छी है, शी इज़ वेरी सटल, बहुत ही नेचुरल हैं और बहुत ही सटल प्ले करती हैं, और इनको ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत स्माइल दी है जिसके साथ वो शी कैन गेट अवे विद एनीथिंग आई थिंक। लेट्स सी, यू हैव अ ब्यूटीफुल सो क्यूट, ये मुझे मिली थी, मैंने उनसे पूछा मैंने आपको कहाँ देखा बट आई थिंक आई रिकलेक्टेड हर फ्रॉम द एड्स आई हैव सीन, दैट एड फेस शी हैज लाइक शी इज डन सो मेनी एड्स, सो उससे मुझे याद आई कि अच्छा मैंने आपको वहाँ देखा। तो देखा आपने, केवल हम ही नहीं बल्कि कई सारे कलाकार इन्हें एड क्वीन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि ज्योति गाबा के बारे में जानकर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।